तो अप्रोक्सीमेशन एक छोटा सा ही टॉपिक है और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर आती है, बस हमको वो सीखना है कि कैसे हम चीजों को अप्रोक्सीमेट करें, या फिर कैसे, मतलब अगर अप्रोक्सीमेशन सीख जाओगे तो एरर का भी लॉजिक अपने आप समझ में आ जाएगा। बस मेजर ये अप्रोक्सीमेशन, ये बेसिकली ये क्या, ये अनदर एप्लीकेशन है आपका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का दूसरा एप्लीकेशन है। ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन ऑफ, एक सेकंड, क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारी चीजें देखी थी। लाइक सबसे पहला एप्लीकेशन हमने देखा था रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन देखे थे, फिर टेंजेंट से नॉर्मल के बारे में सीखा था, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में सीखा था। अगला एप्लीकेशन अपना अप्रोक्सीमेशन, कि कैसे हम चीजों के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीवाई बाई डी एक्स, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लू आपके लिए, जैसे मैं अगर पूछूं कि अंडर रूट ऑफ 36.6 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आपको पता है देखो 36 का रूट तो 6 होता है, तो मतलब 6 के आसपास होगी, लेकिन 6 के आसपास क्या वैल्यू होगी वो पता करनी है। तो एक तो तरीका कैलकुलेटर निकालो, या फिर दूसरा तरीका क्या, वो स्टैंडर्ड आपने जो बचपन में सीखा स्क्वायर था रूट वाला स्क्वायर रूट मेथड से निकालो। हाँ, है ना, थोड़ा बहुत ध्यान होगा ना, वो स्क्वायर रूट मेथड जी लॉन्ग सर, डिवीजन से आप करते थे वो श्योर तरीका, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर रूट था, लेकिन कहीं और मान लो आपको ऐसा था 25 की पावर 1/3 आ गया, या फिर आपको और अलग अलग वेराइटी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 0.6, 49.5, रूट 49.5 आ जाए, रूट जीरो सर पॉइंट इसके सिक्स आ लिए तो जाए, वैदिक मैथ लगानी हाँ पड़ेगी। 401, हाँ वो तो चलो ठीक है, यही टूल, लेकिन अगर वो सब नहीं पता हो और आपको फिर भी निकालना पड़े तो इसके लिए अपन अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेशन मतलब बेसिकली डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन की मदद से हम ये वैल्यू पता कर सकते हैं, मतलब ये अगला एप्लीकेशन है। तो आपको ये फिजिकल साइंस आना चाहिए, अच्छा है, इसकी डिफरेंशिएशन की मदद से हम इनकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये किसके बराबर आएगी। ठीक है, अभी कैसे करना है वो सीखते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ, देखो एक्चुअली इसमें प्रूफ के बिहाइंड मत जाना ज्यादा, मेन इसमें आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो सीखना है। क्लियर है, कैसे आपको उस क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना है वो सीखना है। एक तो हमने जनरल एक जो सीखा था अपने स्टार्टिंग में, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब एवरेज चेंज इन वाई अपॉन एवरेज चेंज इन एक्स। ठीक है, ये हम तब यूज करते थे जब चेंज थोड़ा बड़ा हो, मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई वाई की वैल्यू थोड़ी फाइनाइट हो, तब हम ये यूज करते थे। लेकिन जब वैल्यू बहुत छोटी हो और वैल्यू बहुत स्मॉलर हो, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो, तो उस समय हमने डिफरेंशियल एक्स अपॉन डिफरेंशियल वाई देखा था, राइट, मतलब ये आपका एवरेज होता था, ये इंस्टेंटेनियस होता था। अब इसी चीज को आपस में रिलेट करके हमको ये चेंज की वैल्यू पता करनी है। बेसिकली यहाँ पे 36 का तो वैल्यू मुझे पता ही है कि रूट 36 की वैल्यू 6 होती है, लेकिन 0.6 के कारण जो चेंज आएगा वो वैल्यू मुझे पता करनी है। 0.6 के कारण क्या चेंज आएगा वो वैल्यू मुझे पता करनी है। तो बेसिकली हर क्वेश्चन में आपको डेल्टा वाई निकालना होगा। तो इन दोनों का अगर मैं इक्वेट करूँ तो यहाँ से जो डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया इक्वेट, ये अल्टीमेटली रेशियो, ये डेल्टा वाई लार्ज चेंज इन वाई अपॉन लार्ज चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाई डीवाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा वाई आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, डीवाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यही फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में। आपको बेसिकली क्या निकालना है, डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई निकालने के बाद फाइनल आंसर में आपको क्या लिखना है, वाई प्लस डेल्टा वाई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अभी मैं सिखाता हूँ, लेकिन आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना, याद रखने का तरीका भी आसान है। डीवाई बाई डी एक्स को इक्वेट कर देना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से, और यहाँ से आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीवाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कि अपन को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी, सपोज रूट ऑफ 36.6 की, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो अब डिफरेंशिएट करना है, अगर है जैसे डीवाई बाई डीएक्स का अगर यूज करना है, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन निकालना है मुझे, तो डीवाई बाई डीएक्स अगर निकालना तो फंक्शन पहले कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसी तरह का एक फंक्शन हम कंसीडर करेंगे, तो कैसा फंक्शन कंसीडर करेंगे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो रूट का क्वांटिटी, क्वांटिटी तो है, हाँ क्वांटिटी रूट का है, तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, लेट अस कंसिडर वाई इक्वल टू रूट एक्स। वेरी गुड, क्या कंसिडर किया मैंने, वाई इक्वल टू रूट एक्स। अब यहाँ पे वाई इक्वल टू मैंने क्या करा, फंक्शन सबसे पहले कंसिडर किया रूट एक्स। अब यहाँ पे मुझे देखो क्या क्या लाना है, डेल्टा वाई निकालना है डेल्टा एक्स की मदद से। तो ये जो 36.6 है ना, डेल्टा एक्स इसमें चेंज किसका, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 36.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 प्लस 0.6 0.6, वेरी गुड, 36 प्लस 0.6, तो अल्टीमेटली यही मुझे वैल्यू है। अगर मतलब बेसिकली ये क्या है, ये चेंज इन एक्स है, पहले 36 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, अंडर रूट 36 की वैल्यू मुझे पता है, हाँ है ना, 6 होती है। यस अगर सर, मैं उसमें ये डेल्टा पार्ट ऐड कर दूं तो डेल्टा वाई कितना सर आएगा ये पता करना है, मतलब अगर एक्स में ये पार्ट ऐड हो जाएगा तो वाई में कितना ऐड होगा ये पता करना है। ये आपका वाई है, आपका वाई कितना है, 6 है, वाई कितना है, 6, मुझे पता है 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वाई अगर 6 है तो डेल्टा वाई कितना होगा ये मुझे पता करना है।
कि वो जो वाई में चेंज है वो कितना आएगा ये पता करना है। तो मेरा यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी इसमें क्वेश्चन में 0.6, क्योंकि ये पार्ट उसमें ऐड हुआ, ये चेंज उसमें क्या हुआ ऐड हुआ। अब अगेन अब देखो ध्यान से बस सिंपल, और यहाँ पे देखो ये डेल्टा एक्स हो गया और ओरिजिनल एक्स कितना मानेंगे अपन 36, इसको क्या मान लेंगे 36। बेसिकली इसको लिख कैसे रहा हूं मैं इस फॉर्मेट में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के फॉर्मेट में, इसको हम कैसे लिखना चाह रहे हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स के फॉर्मेट में, जहां पे ये मेरा एक्स हो गया ये मेरा डेल्टा एक्स हो गया, तो एक्स की वैल्यू 36 को एक्स1 लिख लो ना। नहीं कंफ्यूजन नहीं होगा इसको, अभी थोड़ी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन दिखता है लेकिन इसको अपन ऐसे लिखेंगे तो फिर बाद में आपको गलती हो जाएगी। इसको जानबूझ के मैं एक्स और डेल्टा एक्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ। बेसिकली ये मेरा क्या है, सपोज वाई प्लस डेल्टा वाई आपका है इस तरह से है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, जहां पे मैंने वाई को क्या कंसिडर किया है रूट एक्स को क्या कंसिडर किया है रूट एक्स, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 36 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.6 है। अब बस ये तीन चीजें लिखने के बाद आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको डायरेक्ट बस देखो इस मेथड को एज अ रिमेंबर तरीके से याद कर लो, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये मेथड थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ना। देखो बुक्स में अलग अलग तरीके से कराया जाता है लेकिन जनरली मेरे को लगता है ये मेथड बहुत आसान है। डेल्टा आपका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई का बताओ क्या dy/dx into delta x। और याद रखने का तरीका भी आसान है, देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देना dy/dx से, बस वैल्यू पुट अप करनी है। तो डेल्टा वाई यहां से कितना आ जाएगा, dy/dx की वैल्यू बताओ, ये y है तो dy/dx कितना होगा सर 1/√2 by के रूट, हां 1/√x, ये सबको समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएट कर दिया आया ना, बोलो यस सर। डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है क्वेश्चन की, 0.6, वेरी गुड 0.6। अब यहां पे वैल्यू पुट अप कर दे, x की वैल्यू कितनी है 36, तो x की जगह 36 रख दिया into 0.6। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो 0.6 अपॉन ये हो जाएगा 6, 2 into 6 कितना हो जाएगा 12, क्लियर है? Yes, sir. ये 6 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6, 0.1 बार 6, 2 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा 0.1/2, मतलब 1/20 आया ना। Yes, sir. 1/20 के approximate देखो 0.05, very good. कितना आ जाएगा 0.05, यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये मेरा कितना आ गया डेल्टा वाई आ गया, यही निकालना था मुझे, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा हमेशा वाई प्लस डेल्टा वाई आया ना, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा बेटी, अंडर रूट ऑफ 36.6 की वैल्यू मैंने क्या बोली थी इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, और वाई मतलब रूट एक्स आया ना, और रूट एक्स और एक्स की जगह क्या रख देंगे अगेन 36 प्लस 0.05, मुझे पता ही था वैल्यू कुछ ना कुछ 6 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 6.05, आंसर कितना आ जाएगा 6.05। देखो वापस मैं समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान सुनो सब लोग, स्टेप वन क्वेश्चन को देख के पहले ये देख लो कि इसमें से कौन सा पार्ट सेपरेट करना है, मतलब आपको पहले एक्स अलग निकाल लेना, डेल्टा एक्स अलग निकाल लेना, ठीक है? इसके बाद आप फंक्शन अज्यूम कर लेना, वाई का फंक्शन अज्यूम कर लेना क्वेश्चन के हिसाब से डेल्टा एक्स के टर्म्स, वाई फंक्शन अज्यूम कर, आसान रहेगा दिख जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम कर लिया रूट एक्स, फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल्टा वाई इक्वल टू dy/dx इनटू डेल्टा एक्स। अब ये जितनी भी वैल्यू इन सब में पुट अप करोगे तो यहां से आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई की वैल्यू। अब बस फाइनल आंसर में आपको क्या लिखना है, y प्लस डेल्टा वाई, फाइनल आंसर में आपको क्या लिखना है y प्लस डेल्टा वाई, क्या ये समझ में आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा आया है सबको, देखो अभी एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेन यही है, ठीक है? ओके चलो अगला एक और ट्राई करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग, ये लिखना है सबको, लिख लिया सबने? यस यस सर। चलो अब वैल्यू निकालो सर, एक मिनट, अंडर रूट ऑफ, चलो पहले ये ट्राई कर लो 49.5, सोचो शांति से कि कैसे इसको ब्रेक करोगे ताकि उसका रूट आसान हो। एकदम स्टेप बाय स्टेप कुछ से ट्राई करो, 7 में फंक्शन क्या अज्यूम करें, y इक्वल टू रूट ऑफ 49 प्लस 0 रूट एक्स ना, तो बेसिकली देखो ये 49.5 जो है ना, ये क्या है एक्चुअली आपका
इट इज नथिंग बस y, इसको हम कहीं से इक्वेटिंग y प्लस डेल्टा वाई, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। और इसको हमने कैसे ब्रेक किया 49.5 को, अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, सर 7.035। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डेल्टा वाई का, सिंपल डीवाई बाय डीएक्स इनटू डेल्टा एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स इनटू डेल्टा एक्स, वन अपॉन टू रूट 49 इनटू 0.5, 0.5 मतलब 1/2, ये कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन 7.035। लेकिन मुझे ये ज्यादा आसान लगता है, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको क्यों हो रहा है क्या नहीं रहा, सिंपल वैल्यू पुट अप, पूरा आंसर निकालो, क्लियर है सबको? अरे एनसीईआरटी में तो काटेंगे नहीं ना, अरे वो पिछले साल की बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है? नहीं अब तो करना ही नहीं ना आपको बोर्ड्स में, आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना, तो पता ही नहीं है कोई मेथड, ठीक है, बोर्ड्स में तो है ही नहीं वैसे भी। चलो अगला ट्राई करते हैं, जेई में कभी आएगा, कभी इसका यूज कर लिया तो आप इसको सॉल्व कर लेना। अगला एग्जांपल लिख लो, चलो 26 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू निकालो, सोचो आराम से शांति से, फंक्शन क्या अज्यूम करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, ट्राई करो। सर 27-1, सोचो, हाँ ट्राई करो अपने एंड पे, बोलो मत, आपका जो भी आपको जो थॉट लगता है उसको, उससे कोशिश करो। सर पावर का कैसे करें फिर? पावर वैसी रहेगी, फंक्शन क्या अज्यूम करोगे, y इक्वल टू, फंक्शन क्या अज्यूम करोगे, y x की पावर 1/3, हां x की पावर 1/3, और डेल्टा x की भी 1/3 हो जाएगी। हां ना, सोचो डेल्टा x तो अंदर रहेगा ना ब्रैकेट के अंदर, सर इस वाले को 8+18 में कर लेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो सर, इस वाले में 8+18 कर लेंगे डेल्टा एक्स के लिए, 8+18, लेकिन देख, अच्छा हाँ एक चीज और ध्यान रखना, डेल्टा एक्स आपका एक्स के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए, डेल्टा एक्स मतलब एक्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए, ध्यान रखना, तो ऐसा कुछ अज्यूम करो जो उसके कंपैरिजन में स्मॉलर हो, और 1/3 तो क्या अज्यूम करोगे, 27/1, 27-1, हाँ 27-1 की पावर 1/3, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या होता है आपका, 26 की पावर 1/3 मतलब आपको इसको क्या लिखना है, x प्लस डेल्टा x के टर्म्स में आपने लिखा, इसको इसके टर्म्स में लिखा x प्लस डेल्टा x, और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, y प्लस डेल्टा y के बराबर, हाँ है ना, यही हो रहा है हर क्वेश्चन में, यही मेजर कॉन्सेप्ट है। यस सर, यस सर, वैल्यू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 के, और ये ओवरऑल आंसर आएगा y प्लस डेल्टा y, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन से बता दो, अच्छा फंक्शन क्या अज्यूम करोगे, y इक्वल टू x की पावर 1/3, हां है ना? यस सर, ठीक है, यस। अब फार्मूला अप्लाई करते थे, डेल्टा y इक्वल टू, बोलो क्या फार्मूला, dy / dx dy / dx * डेल्टा x, डेल्टा x डिफरेंशिएट कर दोगे इसको तो 1/3 आगे आ जाएगा, 1/3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। और डेल्टा एक्स कितना है, 96 समथिंग आया, डेल्टा एक्स कितना है इस बार, 1 नहीं सर, डेल्टा एक्स माइनस 1 है, कंपेयर करो हमेशा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स से कंपेयर करो, तो डेल्टा एक्स कितना है 27, और डेल्टा एक्स कितना है
माइनस वन माइनस वन सर सर डेल्टा वाई की वैल्यू 0.4 आ रही है 0.4 चेक कर लेते हैं और एक्स की जगह पुट अप कर देंगे 27 हाँ है ना हो जाएगा 1/3 इनटू 27 की पावर माइनस 2/3 इनटू माइनस 1 0.04 सॉरी अच्छा अच्छा ये कितना आ जाएगा देखो ये 3 की पावर 3 3 से 3 कट जाएगा तो 3 की पावर माइनस 2 बचेगा यस सर और ये नीचे आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो 1/3 माइनस 1/27 तो 1/27 की एप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है 0.04 ठीक है बस इतना निकाल लोगे तो अपना फाइनल आंसर कितना होगा y प्लस डेल्टा y तो y कितना होगा y होगा सर 3 हाँ 3 माइनस वो करके तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0.04 तो कितना आ जाएगा 2.96 ये आपका आंसर है आगे समझ में यस सर बहुत बढ़िया बाकी लोग भी देख लो इनकेस किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो एक और क्वेश्चन दे दो ऐसे हां भी दे रहा हूं इसमें तो डाउट नहीं है ना एक और ट्राई करो चलो अभी एक और देता हूं हां थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देते हैं इसमें सर एक बार और रिपीट कर दो ये वाला हां चलो बाकी लोग क्वेश्चन लिख लो तब तक मैं रिपीट करता हूं इसको 26.57 की पावर 1/3 सब लोग क्वेश्चन लिख लो मैं पुराना वापस समझा रहा हूँ ओके ठीक है अब ध्यान से देखो जिसको डाउट था इसको इसमें कहाँ पे कौन सी स्टेप में डाउट एक बार वो पूछ लो या फिर पूरा ही समझना क्या सर है? ये ना हाँ. सर पूरा एक बार समझा दो समझ नहीं आया तो देखो सबसे पहले तो आपको फंक्शन को लिखना है वाई को एक्स के टर्म्स में yes, sir. जैसे यहाँ पे 26 की पावर 1/3 तो मैंने फंक्शन के अज्यूम कर लिया y इक्वल टू x की पावर 1/3 तो बेसिकली जो 26 1/3 है इसमें से आपको x और डेल्टा x अलग अलग करना है ठीक है मतलब इसमें जो स्मॉल सर इसमें आपने सर इसमें आपने 27 माइनस 1 ही क्यों किया हम इसमें 5 का वो नहीं कर सकते क्या हो गया क्या कह रहा यहाँ पे कुछ और लिखते थे और यहाँ पे इसके साथ जो नंबर आना चाहिए वो इसके पास में आना चाहिए अब जैसे एक बच्चे ने बोला था सर इसको अपन 8+18 लिख देते लेकिन 8+18 में फिर डेल्टा एक्स को आप 8 या 18 अज्यूम नहीं कर सकते थे ना वो दोनों बहुत आस पास है लेकिन ये जो है 1 और 27 ये कंपेरेटिवली बहुत दूर दूर है क्लियर है तो सबसे पहले हमने इसको x प्लस डेल्टा एक्स के टर्म्स में लिखा और इसका आंसर आएगा y प्लस डेल्टा वाई के टर्म्स में अब वाई क्या अज्यूम किया था ये और डेल्टा वाई का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है डेल्टा वाई इक्वल टू डीवाई बाई डीएक्स इंटू डेल्टा एक्स यहाँ से डीवाई बाई डीएक्स और डेल्टा एक्स की सबकी वैल्यू पुट अप कर दी क्वेश्चन के हिसाब से मेरा x 27 है और डेल्टा x कितना है माइनस 1 है इन सब की मैंने वैल्यू पुट अप करी तो डेल्टा y की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस ऑफ दिस फिर ये डेल्टा y की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी जो फॉर्मूला था क्वेश्चन था मेन बोलो ठीक है एक और क्वेश्चन समझो यहाँ पे क्या करें बताओ सर यहाँ पर भी 27 माइनस 0.43 ठीक है यहाँ पे ना x क्या हो जाएगा 27.43 और स्मॉल चेंज जो इसमें आया होता है माइनस 0.43 ये साइड में अब मुझे निकालना है वैल्यू y प्लस डेल्टा y की वैल्यू ठीक है तो y क्या अज्यूम करें सर 27 हाँ मतलब x की पावर 1/3 फंक्शन y क्या अज्यूम करें x की पावर 1/3 तो यहाँ से अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ डेल्टा y का सर डेल्टा y माइनस 0.02 आ रहा है ओके ओके चेक कर लेते हैं जिसको समझ में नहीं आएगा समझ लो सबसे सर मेरा 2.995 आ रहा है 2.995 अच्छा देखते हैं यस सर वो y की वैल्यू फाइनल है ठीक है ठीक है तो y equal to x की पावर 1/3 तो डेल्टा y equal to dy by dx अगेन वही हो जाएगा x की पावर -2/3
इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब आपको पता ही है। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दोगे, एक्स की जगह रख दोगे 27 ठीक है, तो आ जाएगा आंसर इससे। यस सर, माइनस 0.02 ठीक सर, माइनस 0.05 आ रहा है, 15 0.015। एक बार कैलकुलेशन कर लो, देख लो ध्यान से सब लोग, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 कर जाएगा तो 1/9 मतलब 27, तो ये जाएगा माइनस 0.43 डिवाइडेड बाय 27, कितना आ रहा है ये -0.015। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना सब लोग अपने अपने एंड पे। तो ये फाइनल आंसर आपको लिखना y + डेल्टा y, तो y मतलब x 3, y मतलब ये ना, यहाँ पे x की जगह 27 रख दोगे आंसर आ जाएगा। ये हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, बोलो कि नहीं। यस सर, आ रहा है। ओके चलो, चलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब अगली एक और वैरायटी सिखा देता हूँ, एक थोड़ा डेसिमल में और करने की कोशिश करें, 0.999 की पावर 1/10 करो ट्राई। सर 0.9989 आ रहा है सर। बोलो। 0.989 ओके, चेक करते सर। 0.9999 सर, 4 बार 9 है। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। और किसी का आंसर आ रहा है? यही आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है, 0.9998। रमन 9999। हाँ 0.9998। यस सर। सर लास्ट में 9 भी आएगा एक। हाँ 89, वो इतना आगे तक भी नहीं जाओगे चलेगा, 9, 2, 3 बार 9 और 89 ठीक है। चलो ट्राई करते हैं अगेन, क्या माना इस, अच्छा इसको कैसे ब्रेक किया आपने? अंदर वाले 1 -0.01 ठीक है, तो x कितना हो जाएगा? 1 और डेल्टा x 0.0 0.0 वेरी गुड।
और फंक्शन अब ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, वाई प्लस डेल्टा वाई के बराबर, हाँ है ना जी। तो वाई और डेल्टा वाई निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले वाई क्या अज्यूम करोगे, एक्स रेज टू पावर 1/10, एक्स रेज टू पावर 1/10, बस सिंपल जो जैसा फंक्शन है वैसा अज्यूम कर लो। तो अब डीवाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं यहीं से, उसका यूज करेंगे आगे, तो हो जाएगा 1/10 एक्स की पावर -9/10, आया ना -9/10। अब यहाँ से डेल्टा वाई निकाल लेते हैं, डेल्टा वाई का फॉर्मूला सिंपल, डीवाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो 1/10 इंटू एक्स की पावर -9/10 इंटू डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू 1 है तो ज्यादा कैलकुलेशन होगी नहीं, आया ना, 1 की पावर कुछ भी तो आंसर 1 ही आएगा, -0.001, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यस सर, ये आएगा, देखो ये आ रहा था आप सब लोगों का, डेल्टा वाई करता हो जाएगा -0.001। ये y तो 1 है ना, y में से ये माइनस होगा, आ रहा है समझ में, बोलो जल्दी, यस सर, जी सर। अब एक और वैरायटी इसमें ट्राई कर लेते हैं, थोड़ी अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, अब देखो अब फंक्शंस के रूप में आएगा, बोला गया एक फंक्शन है fx इक्वल टू सपोज 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, और पूछा कि फाइंड approximate value of f of 2.01, fx आपको दिया हुआ है, बोला है कि find approximate value of f of 2.01, समझ पा रहे हो ना, जैसे f of 2 निकालना आसान है, yes sir, yes, मतलब x की जगह 2 रख दोगे तो f of 2 आ जाएगा, लेकिन हमको पूछा क्या गया है f of 2.01, y प्लस डेल्टा y के बराबर आएगा, क्लियर है, बोलो yeah. अब यहाँ पे बस आपको डेल्टा y निकालना है, तो फंक्शन तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये है ना? दिया हुआ है फंक्शन तो आपको yeah. दिया हुआ है, तो बस जो काम अभी अब तक कर रहे थे वही सेम काम करो, ये सर दिया हुआ, हाँ तो जो अब तक अपन ने किया ना वही करो, चलो ट्राई करो, x क्या अज्यूम करोगे, x की वैल्यू फटाफट डेल्टा वाई अप्लाई निकाल लो, देखो बस मैंने आपको क्या सिखाया, हर क्वेश्चन में यही करना, चाहे क्वेश्चन कैसा भी डिफरेंट बने, आपको अगर ये तरीका याद है तो सर डेरिवेटिव करके नहीं कर सकते, हाँ तो करना है ना, डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट करो इसको, रखो वैल्यू यहाँ पे, वो तो करना ही पड़ेगा, मतलब 4x² का फिर 8x प्लस ऐसे करके, हाँ तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में रखो ना डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू, ओके सर, इसमें तो डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा जीरो, कैसे आएगा वैल्यू निकालो, डीवाई बाई डीएक्स कितना होगा ये बोलो मुझे, ये एट एक्स प्लस फाइव, 8x plus 5 into delta x, बस अब value put up करो, x की value पता है ना क्या है, yes sir 2 और delta x की value भी पता है 0.01, अब इनका answer निकाल लो, 16 plus 5 0.21, yes sir, ठीक है, बस अब यहाँ value put up कर दें,
अपना आंसर क्या था, वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई मतलब यही फंक्शन है, आया ना, वाई मतलब एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जगह क्या रख दोगे टू, आया ना, ये क्या वाई तो है और एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की वैल्यू टू और डेल्टा वाई हमने निकाल लिया 0.21, क्लियर है? तो क्या आपको पता नहीं, देखो ये एफ ऑफ टू से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो थोड़ा सा ज्यादा कितना आएगा ये पता कर लिया हमने, एफ ऑफ टू की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे एक्स की जगह टू रखो कितना आ रहा है, 28, ओके, तो 28.21 ये आ रहा है आंसर, yes sir. Okay, ना देखो कुछ भी मैंने नया किया है कि बस उसी चीज को मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, अब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना, यस सर, एक और क्वेश्चन दे दो ऐसे ही, ओके चलो एक और क्वेश्चन दे दो, क्लियर है सबको यहाँ तक, यस सर, यस, ओके, तो अगला एक क्वेश्चन है, एक बार दिखाना जल्दी, देख लो जल्दी करो जल्दी करो, चलो जी सर, अच्छा जो जो बच्चे लेट आए उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि वो क्लास के आखिरी में सुन के जाना, मुझे याद दिला देना, बाकी लोग जो स्टार्टिंग में थे उनको तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन जो बच्चे लेट आए उनको भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे गई है, ये एफ एक्स आपके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5.001 एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, सर कितने जीरो है, दो जीरो, 5.001 दिख रहा है सबको, यस सर, सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन लगा, हो गया सर, हो गया, सर माइनस 35.275, माइनस 37. सर माइनस 35.275, ओके, सर मेरा माइनस 34.99, माइनस सर माइनस 34.980 आ रहा है, ठीक है सर, मेरा माइनस 35.04 आ रहा चलो कर देते फटाफट, अब तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, तो x की वैल्यू 5 अज्यूम कर लेंगे, अरे यार इसको क्या होंगे, ठीक है फटाफट कर लेते, x को 5 अज्यूम कर लिया, डेल्टा x आपका हो जाएगा 0.001 और फंक्शन आपको दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं dy by dx तो कितना हो जाएगा 3x square minus 14x, इसमें x की वैल्यू 5 पुट अप कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 25 − 14 × 5, तो कितना आ जाएगा ये 75 − 70, ये 5 आ रहा था क्या, यस सर, ओके, आपको वैल्यू डिफरेंशिएट किया ना, जी सर, ठीक है,
डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डीवाई बाय डीएक्स इनटू डेल्टा एक्स वैल्यू पुट अप कर देंगे तो डीवाई बाय डीएक्स की वैल्यू 5, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.001, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.005। चेक कर लेना कैलकुलेशन का मिस्टेक हो तो बता देना। सर 0.04 लिखा था ना आपने, कहां पे 4 नहीं 1 था ये 1। हां सॉरी सर, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो होगा f(5.0001) इसको हम लिखने का तरीका क्या था, y + डेल्टा y। तो y मतलब यहाँ पे फंक्शन f(x), x मतलब 5, यहाँ वैल्यू पुट अप कर देंगे तो इसमें 5 रखने पे कितना आ रहा है बता दो, -35 प्लस 0.005 तो ये कितना आएगा -34.995। वेरी गुड, इज इट क्लियर? यस सर। सर जी मैंने वहां पे भी 25 रख दिया था। यस सर मैंने भी वहां 25 रख दिया था। कहां पे सर वो 7 से मल्टीप्लाई किया ना, वहां पे 5 को मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने, सीधा 25 को मल्टीप्लाई किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्लियर है ना, इस वैरायटी कर लोगे ना आप, आएगा तो। यस सर ठीक है। यस सर नेक्स्ट वैरायटी, अब एरर पे क्वेश्चन करते हैं। मतलब एरर नहीं है बेसिकली, मतलब एरर भी समझ लो। बोला गया कि फाइंड द एप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्वेश्चन ऐसा लिख लो सब लोग, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, लिख लो फाइंड द एप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड एक्स approximately in the volume of cube of side x meter caused by increasing the side by 1%। अब शांति से खुद का दिमाग लगाओ और ट्राई करो, फाइंड द एप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर। क्यूब जिसकी साइड लेंथ है एक्स मीटर, उसका अभी देखो अगर एक्स मीटर साइड होगी तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी क्यूब की, एक्स क्यूब। हाँ, तो वो बोल रहे अगर अपन उसकी साइड 1% से बढ़ा दें, 1% से अगर उसकी साइड बढ़ा दें तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, मतलब डेल्टा वी पूछा, एरर निकालना। हाँ डेल्टा वी पूछा कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, निकालो कितना चेंज आएगा डेल्टा भी। कौन सा है बताओ, सर 0.03x³। पॉइंट सर 0.03x³। ठीक है चलो कैसे सॉल्व करें सोचते हैं। पहले नॉर्मल वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम क्या होती है x³ साइड क्यूब, यहाँ पे x ही वेरिएबल है और x को ही यूज कर लेते हैं। अब मुझे पूछा चेंज इन वॉल्यूम, क्या पूछा है डेल्टा वी वॉल्यूम, तो डेल्टा यहाँ पे देखो चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन साइड के हिसाब से मुझे सोचना पड़ेगा, आया ना? यस सर। तो डेल्टा वी का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, डीवी बाय डीएक्स इनटू डेल्टा एक्स, आया ना? यस सर। ठीक है,
तो डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स कितना है सर? 0.01x, 0.01। चलो और अच्छा dy by dx निकाल लेते पहले, कितना होगा ये? 3x² upon 100। नहीं नहीं सी भी यही है ना, डिफरेंशिएशन करना है। तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x² हां है ना? यस सर। ठीक है, और डेल्टा x कितना होगा? 0.01 होगा ना सिर्फ, है ना? ठीक है, 1/100 या फिर 0.01, क्योंकि 1% बोला है ना आपको। ठीक है सर, 0.01 टाइम्स ऑफ एक्स नहीं होगा क्योंकि हम साइड में 1% चेंज कर रहे हैं ना। हाँ आप सोच के बताओ मुझे क्या आना चाहिए, वापिस सोचो सब लोग, क्या डेल्टा एक्स में 1/100 आना चाहिए? सोच के लॉजिक लगा के सोचना, डेल्टा एक्स में 1/100 आना चाहिए या फिर 1/100 ऑफ एक्स आना चाहिए? आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए सोचो आराम से। सर 1/100 टाइम्स इनटू एक्स आना चाहिए ना? तो लो सोचो तो सही, सबको टाइम दे रहे हो, सोचो सर। जैसे हर बार क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे थे, जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन था 5.00001, तो 5 में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चेंज आता था अपन उसको 5 को एक्स मान लेते थे, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता था उसको क्या मानते थे? डेल्टा एक्स, राइट? यहाँ पे भी 2.01 था तो x को हमने 2 मान लिया था, x को नहीं लेंगे, एडिशनल पार्ट आ रहा था 0.01 माना था। चलिए x को 0 मान लेते हैं, 0.01 x को क्या मान लोगे? 0 x नहीं 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 नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, डायग्राम समझते हैं, इससे पहले जो क्यूब था x का 1% लग रहा है, जो पहले जो क्यूब था उसकी साइड कितनी थी? एक्स थी, आया ना? ऐसे समझ में आ जाएगा जल्दी, ये सबको क्लियर है? ओरिजिनल क्यूब ऐसा था? यस सर। ठीक है, अब क्या कर दिया गया था क्यूब में? 1% सारी साइड बढ़ा दी, एक सर 1% से इस क्यूब की साइड क्या कर दी? बढ़ा दी। तो 1% से बढ़ाने के बाद अब साइड कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 1% ऑफ एक्स। हाँ तो बताओ कितनी हो जाएगी? x plus 0.01x, है ना? यस सर। ठीक है, ये लिखोगे ना? यस सर। x point zero मतलब basically x plus 0.1x ऐसे लिख लो फिलहाल, इसको confusion हो जाएगा। ठीक है, x plus 0.1x, तो यहाँ पे ये आपका original x हो गया और ये क्या हो गया आपका? Change in x। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देना 0.01x, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.03x³, मतलब जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसमें 0.03 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आएगा? डेल्टा v, क्या आएगा? डेल्टा v। क्लियर है? Yes, sir. ये पूछा था हमको, अप्रोक्सीमेट चेंज ही पूछा था, और वॉल्यूम निकालना होगा तो v प्लस डेल्टा v कर देना। फाइनल वॉल्यूम पूछेंगे तो क्या कर देंगे? v प्लस डेल्टा v। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस क्लियर। चलो एक एरर का लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं ताकि एक वाइंड अप हो जाएगा। एरर का क्वेश्चन है ना, ठीक है चलो लिखो। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 9 मीटर, लिखो। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज, लिख रहे हो क्वेश्चन? हेलो डिक्टेट करा दूं ना? यस सर लिख रहे हैं। If the radius of a sphere is measured as 9 meter, if the radius of the sphere is measured as 9 meter, 9, हाँ 9, ये लिखा बोर्ड पे, with error of 0.03 meter, with the error of 0.03 meter, find the approximate error in calculating its surface area, in calculating its surface area. सर पहली लाइन बोलने क्या बोला था? In a sphere, in a sphere लिख रहा हूं मैं। ठीक है सर, हो गया।
अच्छा मतलब ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है 6.78 आ रहा है सर हां हां 2.165 ज्यादा ही मान लो प्लस में दिया है ना 6.7 आ रहा है 6.7 यस सर ओके आंसर 0.5 की टर्म्स में दे रहे हैं यस सर मेरा भी 6.7 ही आ रहा है 6.7 यस सर यस सर सबका आ रहा है यस सर एनीवन कोई डाउट हो तो पूछ लो नो सर नहीं आ रहा सर पाई की टर्म्स में आया ठीक है ठीक कोई बात नहीं चलो देख लेते हैं सीखते एक स्फीयर है तब इसके लिए स्फीयर की क्या पूछा गया है रेडियस में एप्रोक्सीमेट चेंज दिया और सरफेस एरिया था सरफेस एरिया तो स्फीयर पता होना चाहिए कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर वेरी गुड ये स्फीयर का सरफेस एरिया होता है ठीक है तो मुझे बेसिकली क्या पूछा है चेंज एप्रोक्सीमेट एरर मतलब चेंज इन द सरफेस एरिया क्या पूछा है डेल्टा एस ये चेंज कितना आएगा हाँ है ना बोलो यस सर यस सर इसका फॉर्मूला वो हो जाएगा डीएस अपॉन डीआर इनटू डेल्टा आर हाँ है ना डेल्टा आर क्लियर है बोलो यस सर तो डीएस अपॉन डीआर कर देंगे बस देखो मैंने क्या सिखाया था आपको ये मेथड अगर याद होगा ना कोई दिमाग नहीं लगाना है इसका डिफरेंशिएट कर देंगे 4 पाई आर तो कितना हो जाएगा 8 पाई आर 8 पाई आर आएगा ना 8 पाई आर यस सर और आर कितना है 9 मीटर 9 है ना आर की वैल्यू तो कितनी है 9 क्लियर है तो ये कितना हो जाएगा 72 पाई 72 पाई 72 पाई ओके ओके और डेल्टा आर कितना है 0.03 सब कुछ है हमारे पास बस वैल्यू पुट अप करनी है 72 पाई इनटू 0.03 आसान है ना यस सर 2.165 तो चाहो तो एप्रोक्सीमेट इसको 3.14 लिख दो भले अगर 22 बाय 77 से कट हो रहा है तो वो लिख देना सर 03 होगा कितना आ रहा है ये 6.78 मीटर क्लियर हो गया मीटर स्क्वायर फुट आ रहा है समझ yes, में यस सर अब देखो आप फिजिक्स के एरर वाले क्वेश्चन एक बार ट्राई करना आज घर जाके इस मेथड से करोगे फिजिक्स में ये मेथड दिखाया था क्या नो सर सेम आएंगे नहीं सर उन्होंने तो बताया था कि डेल्टा एक्स और एक्स में ब्रेक कर दो फॉर्मूला बताया आसान लगा आपको यस सर बस ये वाला मेथड अप्लाई कर देना सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे क्लियर है ओके ओके चलो अच्छा एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आज की एक मिनट रुक जाना जो बच्चे लेट आए थे वो रुक जाओ बाकी जिसको जाना वो चले जाना इस सैटरडे आपका जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन होगा ऑफलाइन मतलब आपको एक सेंटर पे आके देना है ठीक है कल इन्फॉर्मेशन सारी ग्रुप में आ जाएगी लोकेशन क्या है टाइमिंग क्या है और जो जो बच्चे रेगुलर है जिनका परफॉर्मेंस अब तक अच्छा रहा उनका नाम भी आ जाएगा बस ये बोलूंगा मैं आपसे सबको भी वापस यही बोला था कि टेस्ट पेपर टेस्ट देने जरूर आना क्योंकि टेस्ट के अलावा वहाँ पे आप अपने टीचर से भी मिल सकते हो जैसे मैं आऊंगा इसे तो आप मुझसे मिल सकते हो वहाँ पे बाकी पूरी टीम मेंबर भी रहेंगे दूसरा हमारा स्टाफ रहेगा उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो आपको लग रहा हो कि मैथ्स के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो वहाँ शिकायत भी कर सकते हो ठीक है हाँ सर हम आपको अभी तक आपको देखा ही नहीं है सर आप मिलोगे हाँ वो ऐसा ही होगा इतने टाइम तक कैमरा ऑफ था ना आप पहचान भी नहीं पाओगे वहाँ नहीं सर हमने देखा पहले कौन कर देते यस सर हमने भी देखा आपके डीपी पे ओके ओके ठीक है तो वहाँ देख लेना पहचान लेना आ जाना मेरे पास क्योंकि मैं तुमको नहीं देख पाऊँ ठीक है तो तुम आ जाना कि सर हम B01 बैच के हैं
और जो भी आपको फीडबैक देना, जो भी आपको सजेशन है, आप वहाँ पे हमारे टीम मेंबर को भी दे सकते हो। फिर मैंने अपने पुराने बच्चों को भी बुलाया है, जो जिनको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था और अभी जिनका आईआईटी में हो गया है, वो भी आप जैसे ही थे, आपके स्कूलों से ही निकले हुए हैं और दिल्ली के ही हैं, तो उनको भी मैंने बुला लिया, तो वो भी लोग वहाँ पे आएंगे, तो उनके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो क्या उन लोगों ने कैसे तैयारी करी, क्या उनके पास चीजें थी, मतलब अपने वहाँ पे उनसे बात कर सकते हो तुम, ठीक है, वन टू वन टीचर से बात कर सकते हो, एलिमेंटेंगे तो उन सब वो इंटरेक्शन होगा। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, मतलब अवंती एक एक करके। हाँ पहले अजय बोलो क्या कह रहे थे, जल्दी बोलो। सर अवंती में से बच्चों ने आईआईटी के लिए मतलब क्रैक किया है, मतलब किया है ना, लास्ट ईयर 60 बच्चे 65 बच्चे क्लियर हुए थे आईआईटी दिल्ली में, हम सबको दिल्ली में नहीं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आईआईटी दिल्ली में थोड़ी जरूरी की जा रहा है, कोई कोई रोपर में जा रहा है, कोई खड़गपुर में जा रहा है, कोई एनआईटी में भी जा रहा है, कोई दिल्ली के डीटीयू में भी जा रहा है, अलग अलग बच्चे हैं, मतलब जेई जिनका क्वालिफाई हुआ था एडवांस उनका बता रहा हूँ। सर बाकी के टीचर्स भी आएंगे? बाकी के टीचर्स का पता नहीं है, देखो एक्चुअली शॉर्ट नोटिस पे सब कुछ हुआ है ना, तो पॉसिबल नहीं हो पाता, हो सकता है कुछ टीचर आए कुछ टीचर ना आ पाए, टिकट्स वगैरह मिले नहीं मिले, तो देखते हैं जितने आ पाएंगे, मेरा तो मैंने करा लिया, बाकी टीचर्स का देखते हैं। हाँ सौरभ क्या कह रहे थे, जल्दी बोलो क्लास। अमन ने कुछ डाल रखा है चैट बॉक्स में। क्या डाल रखा है अमन ने? देखो आप देखो, ऑफलाइन टेस्ट में कम नंबर आए, टेस्ट में भी ना ना कोई दिक्कत नहीं है, पेपर देना है और बस इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है सर, वहां पे वो कम नंबर आएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। दोनों काम, लेकिन फिर भी मोबाइल लेके आना, और लोकेशन वगैरह भी आपको ग्रुप में कल तक आ जाएगा सर। वैसे हमारे नियर बाई ही होगा ना क्या सर, मतलब नियर बाय ही होगा ना? हाँ नियर बाय, मतलब मान लो आईटीओ वगैरह ऐसा कुछ रखेंगे सेंट्रल दिल्ली में, जो सब लोग पहुंच पाए, अब सब लोग अलग अलग एरिया में रहते, तो नियर बाय तो क्या देखेंगे, तो सेंटर रख लेंगे जहाँ पे सबके लिए पास हो, क्लियर है सर? अगर कोई बच्चा नहीं आ पाया तो उसके मॉड्यूल्स का क्या होगा? कोई बच्चा अगर नहीं आ पाया तो पहले रीजन स्पेसिफाई कर देना प्रॉपरली, मुझे